आज मैं आपको लेकर आ गया रांची में गरीबों के 5-स्टार होटल में, जहाँ पे मिलता है 30 रुपए में अनलिमिटेड चिकन। जहाँ आजकल के जमाने में 30 रुपए का समोसा नहीं आता, यहाँ पे लोग गरीबों को भरपेट चिकन खिलाते हैं। तो चलिए चलते भैया से जानते हैं इतने सस्ते में चिकन कैसे लगाते हैं। लोग बोलते हैं कि गरीबों के लिए 5-स्टार होटल है, 30 रुपया में 4 पीस मीट और 30 रुपया में सादा खाना। जो सादा खाना है तो सादा खाइए, मीट खाना है तो मीट खाइए। तो हमारे यहाँ पे मुर्गा कट के आ चुका है, अब इसको कोयले पे भुना जाएगा, जो भी इस पे एक्स्ट्रा बाल होंगे उसको रिमूव कर दिया जाएगा। तो हमारा चिकन बनना यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो चिकन के लिए सबसे पहले यहाँ पे तेल डाला जा रहा है। तो कौन सा तेल रहता है जी? सरसों का लोनी, सरसों का तेल। हाँ। इसमें खड़ा लाल मिर्च, ये आगे लाल मिर्च और गरम मसाला थोड़े से डाले जाएंगे, खड़े मसाले। अब इसमें डाला जा रहा है प्याज, तो ये आ गया प्याज। कितना किलो चिकन बनाया जा रहा है यहाँ पे? 7-8 kg चिकन बनाया जा रहा है। 8 किलो। और दिन में कितना बन जाता है? दिन में बन जाता है 40-45 kg दिन भर में। तो थोड़ा थोड़ा करके बनाते रहते हैं? हाँ, थोड़ा थोड़ा बनाते रहते हैं। एक ही बार में नहीं बनाते हैं, 5 मिनट लगता है। 5 मिनट। तो मैंने देखा है कि इतने सस्ते में आप चिकन दे रहे हो, तो इतनी बढ़िया क्वालिटी कैसे दे देते हो? यहाँ हम अपना परिवार खाते हैं ना, तो पड़ जाता है। अलग से कोई लेबर लगाना नहीं पड़ रहा है हमको, लेबर को पेमेंट नहीं करना पड़ रहा है, इसी तरह पड़ जाता है। प्याज ऐसे भून चुका है, तो प्याज हमारा यहाँ पे अच्छे से भून चुका है। अब यहाँ डाला जा रहा पेस्ट, अदरक लहसुन और मिर्चा का पेस्ट। तो अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट इसमें डाल दिया गया है, प्याज का मिक्स कर लिया जाएगा। तो चिकन बनने में कितना टाइम लग जाता है यहाँ पे? 20-25 मिनट लग जाता है। 20-25 मिनट। अब प्याज जो है सब भुना गया है, अब फिर चिकन डाला जा रहा है इसमें। तो चिकन की अच्छे से कटिंग कर ली गई है और अब इसके साथ इसको मिक्स किया जा रहा है। तो पूरी कढ़ाई भर के दिन से हमारे यहाँ पे चिकन बनाया जा रहा है। तो चिकन के पीस जो रहते हैं, ना ज़्यादा बड़े होते हैं ना ज़्यादा छोटे होते हैं, तो मीडियम साइज के रहते हैं। मीडियम साइज के रहते हैं। तो अब चिकन डल गया, अब इसको पकने में कितना टाइम लगेगा? इसको लगेगा 20 मिनट और। 20 मिनट और लगेंगे। तो थोड़ा सा इसमें पानी मिला दिया जाएगा, बाकी मसाले बाद में फिर तो ढक देंगे। अब तो चिकन को हमारा ढक दिया गया, तो कितनी देर ढकेंगे इसको? इसको 15-20 मिनट लग जाएगा। ये प्याज का पेस्ट है, तो तरी गढ़ा करने के लिए डालते हैं। तो ये आगे इसमें प्याज का पेस्ट। तो चिकन को 20-25 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं, अच्छे से पकाया जा रहा है, ऊपर से प्याज का पेस्ट डाल दिया गया है। ये अब इसमें मसाला डाला जा रहा है। तो कौन सा मसाला रहता है ये? अच्छी पैरोट का मिक्स मसाला है। अच्छा। और ये आगे हल्दी पाउडर और अब इसमें डाली जाएगी लाल मिर्च और ये आ गया नमक। तो सभी मसाले अच्छे से डाल लिए गए हैं, अब मसालों के साथ इसको अच्छे से यहाँ पे पकाया जाएगा। तो भैया मसाला डल चुका है, अब इसको कितनी देर और पकाया जाएगा? और 10 मिनट। 10 मिनट और पकाया जाएगा। तो अब इसको थोड़ी देर ढक दिया जाएगा और उसके बाद फिर देखना इसकी रंगत कैसी चेंज हो जाएगी। तो हमारे चावल धुल के आ चुके हैं, अब इसको गर्म पानी में डाला जाएगा और इसको पकाया जाएगा। तो बड़े से बर्तन में चावल डल चुके हैं यहाँ पे। तो हमारा आधा घंटा यहाँ पे हो चुका है, चिकन को अच्छे से भून लिया गया है मसालों के साथ। भैया रेडी हो चुका है ये? बस इसमें पानी डालेंगे, तरी बनाएंगे। अभी भून जा रहा है, अभी चिकन को भून लिया, अब इसमें पानी डाल के तरी लगाई जाएगी, क्योंकि चावल के साथ खाई जाती है ये। हाँ। और फिर 5 मिनट इसको निकाल लिया जाएगा। तो भैया कितना किलो रेडी हो चुका है ये? 7-8 किलो होगा। 7-8 किलो रेडी हो चुका है। हाँ। तो भैया एक प्लेट में कितने पीस रहते हैं चिकन के? 4 पीस। 4 पीस रहते हैं। हाँ। और कितने रुपए की प्लेट रहती है? ओ, चावल के साथ में 60। अच्छा, चावल के साथ 60 रुपए में रहती है। 30 चिकन का हो गया, 30 चावल का। तो कटोरी में देख सकते हो यहाँ पे हमारा चिकन लगाया जा रहा है। तो मैंने सुना इसको गरीबों के लिए 5-स्टार होटल बोलते हैं। हाँ, आप तो भाई जैसे आप, हम तो अपने आप को नहीं बोलेंगे, लेकिन लोग बोलते हैं कि गरीबों के लिए 5-स्टार होटल है, कि आप जो खा के देखता है बहुत ऐसा ही से पूछता है कि आप इतना सस्ता में खाना खिला रहे हैं तो कैसे पड़ता है। अगर हम अच्छा खाना नहीं खिलाते तो फिर मेरे पास इतना खाना मीठ नहीं ना बिकता। जब बिक रहा है किसका मतलब जानिए कि आदमी कुछ वाइस है खाना में, कि स्वाद है तभी ना आ रहा है। तो कैसा लगता है यहाँ का खाना? खाना अच्छा है यहाँ पे। हम लोग जैसे बताए कि कोई दूसरा होटल में जाते हैं तो 60-70 रुपए 100 रुपए तक का बिल आ जाता है, लेकिन यहाँ पे है 30 रुपए में चिकन है, बाकी चावल अनलिमिटेड है, जितना आप खा सकते हैं उतना मिलेगा। तो क्वालिटी बढ़िया रहती है खाने की? हाँ, क्वालिटी अच्छा है। प्लेट में क्या क्या चीजें मिलती है? मुर्गा सब्जी और दाल। मुर्गा सब्जी और दाल। तो रांची के गरीबों के 5-स्टार होटल में मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। तो देखो, तो ये है इनकी प्लेट, जिसमें कि आपको अनलिमिटेड राइस मिल जाएंगे, साथ में मिलेंगे 4 पीस चिकन के, ग्रेवी आप जितनी मर्जी ले सकते हो, साथ में आपको दाल मिल जाएगी, अचार मिल जाएगा, सैलेड में आपको मिलेगा प्याज। तो चलिए चलते हैं कि 60 रुपए की थाली टेस्ट करते हैं। तो चिकन देख सकते हो इन्होंने बहुत अच्छे से पकाया है, काफी मसालेदार लग रहा है। तो इसको चावल के ऊपर थोड़ा सा डाल के फिर इसको टेस्ट करेंगे। तो आपको 60 रुपए में 4 पीस मिल जाएंगे चिकन के, आपको आराम से खा सकते हो, जितना मर्जी चावल ले सकते हो। तो आके इनका चिकन खा के मज़ा ही आ गया। 60 रुपए की प्लेट है, आपको 4 पीस चिकन के मिल जाएंगे, अनलिमिटेड ग्रेवी मिल जाएगी, दाल मिल जाएगी, आप कुछ भी खा सकते हो, भरपेट खा सकते हो। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेबर क्लास आती है, जिनके पास पैसे नहीं होते, अफोर्ड नहीं कर पाते, तो यहाँ पे आके 60 रुपए में चिकन की प्लेट खा लेते हैं, जिससे कि वो पूरा दिन अच्छे से काम कर सकते हैं। टाइमिंग क्या रहती है आपकी दुकान? टाइमिंग मेरा 9 से 10 बजे तक चालू हो जाता है और शाम 6 बजे तक। और हफ्ते में कितने दिन लगाते हो? हफ्ता में एकदम कोई दिन बंद नहीं रहता, मेरा लगातार चालू रहता है, अगर कोई पर्व त्यौहार हुआ तो बंद कर देते हैं। और एड्रेस बता दीजिए किसी को यहाँ पे आके चिकन खाना हो। ये संग्रामपुर है, बस्ती।
कांके ब्लॉक के सामने है, कांके ब्लॉक के पूर्व साइड रिंग रोड जहाँ मिला, रिंग रोड नहीं चढ़ के बायां मुड़ जाना है, वहाँ से जैसे दिखेगा तो मेरा होटल दिख जाएगा। तो अगर आप भी रांची में रहते हो, विजिट कर रहे हो और बढ़िया सा सस्ते में चिकन खाना चाहते हो तो यहाँ पे आके इसको जरूर ट्राई कीजिए। तो इस चिकन को मैं यहाँ पे जल्दी से फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।